नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैंसी शर्मा। तो आज लोकतंत्र का महापर्व, एक बड़ा दिन जहां देश भर को इंतजार था आज के दिन का, 4 जून का, और रुझान भी अब तक लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के रुझानों की पहले हम बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 10 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। मात्र एक सीट पर कांग्रेस की यहां बढ़त चल रही है। रायपुर में बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल सबसे आगे लीड कर रहे हैं। इधर बस्तर में भी बीजेपी के महेश कश्यप को ही लीड मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा महासमुंद की अगर बात करें तो महासमुंद से बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी भी आगे चल रही है। जांजगीर चांपा में भी बीजेपी के कमलेश जागंजे ही आगे हैं। यानी कि जो दावा लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी कर रही थी कि इस बार सभी 11 सीटों को बीजेपी अपने पाले में कर लेगी, कहीं ना कहीं वो दावे पर बीजेपी अब सही साबित होती हुई नजर आ रही। हालांकि रुझान है, स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आ पाया है, देर शाम तक ही नतीजे स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन रुझान जो दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। लगातार 10 सीटों पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बढ़त है। एकमात्र सीट जो कि कोरबा है, सिर्फ कोरबा पर ही कांग्रेस कहीं ना कहीं लीड कर रही है। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, कभी भी उलटफेर हो सकता है, इंतजार रहेगा शाम तक का। एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, छत्तीसगढ़ में चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सबसे पहले परिचय करा देते हैं। दिनेश अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जावेद खान कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। चर्चा की शुरुआत बाबूलाल जी आप ही के साथ करना चाहूंगी मैं। छत्तीसगढ़ में लगातार ये दावा हालांकि पार्टी कर रही थी, बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, कि सभी 11 सीटें वो अपने पास इस बार ले जाएगी, लेकिन रुझान जो अभी तक के सामने आए हैं, लगभग 3:30 बज चुके हैं और अभी तक के जो रुझान है उसमें 10 सीटों पर बीजेपी आगे लीड कर रही है। एकमात्र सीट ऐसी है कोरबा जिस पर कांग्रेस बढ़त बनाए है, हालांकि वो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, मार्जिन मात्र 5,500-6,000 का है, लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी भी मार्जिन में 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए अपवाद के रूप में तो 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा मार्जिन है। वो भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हमने देखा है कि 10,000, 20,000 का गड्ढा भी पट जाता है अंतिम समय में, वो परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं। मुझे लगता है कि 10-1 की स्थिति जो है वो ही परिणाम में परिवर्तित होगी। और जहाँ तक सवाल छत्तीसगढ़ के माहौल का है, माहौल जो था वो ऐसा नहीं दिख रहा था। निश्चित रूप से 7-4 का आंकड़ा जो है वो लोग अनुमान लगा रहे थे कि कांग्रेस को इस बार गेन होगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया उन्होंने, अच्छे प्रत्याशी दिए, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी अच्छे ढंग से मैनेज किया है, और उनको कहीं ना कहीं 4 सीटें, मतलब कांकेर और बस्तर पर तो पूरा विश्वास करके चल रहे थे। और जहाँ अभी ज्योत्सना महंत जी है कोरबा, कोरबा सीट पर पूरा विश्वास था, इसके अलावा राजनांदगांव पर भी पूरा विश्वास था कि भूपेश बघेल है वो नहीं हारेंगे, लेकिन जो है मामला कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा है। वहाँ 32,000 से वो पीछे चल रहे हैं अभी, तो वो पटना बहुत मुश्किल दिख रहा है। निश्चित रूप से जो 10,000 और 12,000 का जो आंकड़ा जो है वो दूरी का जो है वो उस पर उम्मीद अभी भी कर सकती है कांग्रेस, लेकिन जो है बाकी सीटों पे जो है उनकी उम्मीदें अब बेकार हैं। 6 से 7 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाती हुई साफ साफ दिख रही है, और वैसे 10 में आगे है तो 10 की 10 भी रह सकती है, एक सीट जो है वो 1 से 2 भी हो सकती है, इस तरह की स्थिति चल रही है। और बहुत ज्यादा फेरबदल मेरे को नहीं तो लगता कि होगा जी। खैर शाम तक का इंतजार करना होगा, चूंकि रुझान तो रुझान जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसमें तो ये कहा जा सकता है कि शायद बीजेपी अपनी अभी तक बढ़त बनाए हुए है। 10 सीटें लगभग बीजेपी के पास आ चुकी हैं रुझानों में ये है, लेकिन स्पष्टीकरण शाम तक ही हो पाएगा जब पूर्ण निर्णय सामने आएगा। और भी चली चर्चा आगे और बढ़ाएंगे, जहाँ जावेद खान जी आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में क्या कमी रह गई। विधानसभा चुनाव में हमने देखा, विधानसभा चुनाव में पटक नहीं दी, जहां जनता ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं जताया, उसके बाद में फिर ये दावा किया गया कि लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीटें हम जीतेंगे। कई दावे, कई बयान भी सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स ने कहा था कि हम पूरी 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन रुझान इस वक्त स्पष्ट है, कहां कमी रह गई। नमस्कार नैंसी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, अभी बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। निश्चित तौर पर हम बहुत मेहनत किए, बहुत अच्छे से चुनाव लड़े, जनता के बीच में गए, अपने मुद्दों को लेकर के गए,
सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक मुद्दों को लेकर के गए, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं, रोटी पानी रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे हैं, उनके साथ में हम गए। ठीक है, अभी हम 10 सीटों पे पीछे हैं, अंतिम निर्णय जो होगा, जनता का जो जनादेश होगा उस वो कांग्रेस पार्टी सहर्ष स्वीकार करती है, लेकिन अभी परिणाम आने बाकी है, हमें उम्मीद है कि इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। और कहां पर हमारे से कहीं अगर हमारे से कुछ छूट गया, कहीं हमसे चूक हो गई, ये समीक्षा की विषय का विषय तो है ही, इसे हम समीक्षा भी करेंगे। पर लेकिन अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ा, लोगों को जोड़ते हुए चुनाव लड़ा, ना ही लोगों को तोड़ने की बात करी, ना तो लोगों को लड़ाने की बात करी, और जो मूल मुद्दे थे जनता के उन पर चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे देश में आज कांग्रेस की स्थिति और इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। जो 400 पार का नारा दे रहे थे आज वो 300 नहीं ला पा रहे हैं। गठबंधन में सरकार बन रही है उनकी, है ना, और गठबंधन भी ऐसा जो चंद्रबाबू नायडू कभी भी कहीं जा सकते हैं, नीतीश बाबू जी के लिए कहा जाता है वो तो सबके हैं, और ममता बनर्जी किधर जाएंगी, किसके साथ जाएंगी, तो कुछ नहीं बोल सकते। तो आप कह रहे हैं कि मूलभूत मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ा है, आऊंगी मैं दिनेश जी आपके पास भी आऊंगी, आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने मूलभूत मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा है, जो जल जंगल जमीन जो इनसे जुड़े हुए मुद्दे थे उन पर हमने चुनाव लड़ा है, जनता को भ्रमित करने के भ्रमित नहीं किया, तो क्या वजह रही, क्या कारण रहा? क्योंकि खुद भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से चुनावी मैदान में, तो उनकी भी साख दांव पर लग गई है, वो भी कहीं ना कहीं रुझानों में देखने को मिल रहा है कि उनके जो चुनावी जो अभी अंतर है वो काफी बढ़ता जा रहा है, हार की तरफ जा रहे हैं वो। देखिए, अभी 3-5 महीना पहले विधानसभा चुनाव हुए, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण के माध्यम से यहां पर और सरकार को कहीं ना कहीं ईडी आईटी सीबीआई के नाम से बदनाम करके अपना सरकार में वापस काबिज हुई, और इस लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि यही सारी चीजें इनके द्वारा बोली गई। तो अभी समीक्षा का विषय है, बिल्कुल हमारे लिए चिंता का विषय है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि हमने सकारात्मक रूप से लोगों के जनहित के मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ा, कहां हमसे चूक हो गई ये बिल्कुल हम समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी ये परिणाम नहीं है। हो सकता है अभी भी 6-7 राउंड की काउंटिंग बाकी है। बिल्कुल जावेद जी, रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है चूंकि अमेठी से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि जब तक काउंटिंग खत्म नहीं होगी मैं अपने आप को जीता हुआ नहीं मानता, अमेठी की जनता गांधी परिवार दोनों की जीत है, मैं कांग्रेस पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं, राहुल और प्रियंका जी ने मेरा उत्साह बढ़ाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है पहले वो सुन लेते हैं। टिल लास्ट काउंटिंग मशीन जब तक नहीं होती है मैं तब तक मतलब अपने आप को जीता हुआ नहीं मानता हूँ। ठीक है, तो ये है कि जो ये जीत की तरफ अग्रसर कर रहे हैं तो ये इसमें अमेठी की जनता और गांधी परिवार ये दोनों की ही जीत है। ठीक है, मैं तो एक उनका सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, तो मेरा तो वही रोल था, लेकिन मेरे लिए जिस तरह से राहुल जी ने प्रियंका जी ने खड़गे जी ने आके मीटिंग्स की है, उन्होंने मेरे को बूस्ट, मेरा मॉरल भी बूस्ट किया और यहाँ की जनता का भी मॉरल बूस्ट किया, तो ये अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि इतने ऑड सिचुएशंस के अंदर कि जहाँ पूरा दबाव में चल रहा था सारा कुछ, उसके बावजूद जीत अगर मिलती है तो ये यहाँ की जनता और गांधी परिवार की जीत है। तो ये बयान आपने सुना था अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा, जो कि एक बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और लगभग जीत की ओर अब जाते जा रहे हैं, लेकिन उनका ये बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि मैं तब तक अपने आप को जीता हुआ नहीं मानूंगा जब तक कि काउंटिंग खत्म नहीं हो जाती। चलिए चर्चा की ओर अब एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। दिनेश जी, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि छत्तीसगढ़ में तो जो दावा किया बीजेपी ने, उस दावे को हम देख पा रहे हैं कि लगभग अमल करती हुई नजर आ रही है, हालांकि ये रुझान है, रुझान अभी 10 सीटों पर लगा हम देख पा रहे हैं कि 10 सीटों पर बढ़त बीजेपी बना रही है, लेकिन स्पष्ट अभी नतीजे नहीं आए हैं, शाम तक स्पष्ट नतीजे आएंगे उसके बाद ही ये साफ होगा कि कितनी सीटें बीजेपी ने जीती हैं और कितनी सीटें हारी हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ ओवरऑल की, तो ये कहा जा रहा था इस बार कि अब की बार 400 पार मात्र बीजेपी 370 सीटें जीतेगी, एनडीए के साथ 400 पार जाएगी, दावा कहाँ गया? नतीजे सामने हैं, जो रुझान है वो सामने है कि एनडीए 295 पर अभी है,
300 भी पार नहीं कर पाए। जी नैन्सी जी, सर्वप्रथम को तो आपको लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है उसकी बधाई हो। ये जनता जनार्दन का फैसला है जो जनता जनार्दन ने कही है, और भारतीय जनता पार्टी आज बहुत उत्साहित है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो चाहे देश का मामला हो। हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में इन्होंने जनता को भ्रमित किया था कि कांग्रेसी सरकार चला सकती है, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है मोदी जी की सरकार। और रही बात छत्तीसगढ़ की राजनीति की, तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा है 10 की 10 11 में 10 सीट पे हम लीड कर रहे हैं, वो फीट पे भी हम लीड करने वाले हैं। और रही देखिएगा ये फाय जी का सुशासन, मोदी जी का जो लोगों के प्रति गारंटी है उसकी जीत है, और इस जीत का विश्वास दिला रही है छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भूपेश बघेल जो इनके मुख्यमंत्री थे पिछले चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में इसका सुपड़ा साफ कर दिए। और रही बात रहा कसर, अभी इस चुनाव में भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से भारी बुरी तरीके से हार रहे हैं। बिल्कुल दिनेश जी, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है केराना से। इकरा हसन जो सपा की प्रत्याशी थी, ये नतीजा आ चुका है, वे जीत चुकी हैं। उन्नाव से साक्षी महाराज जो कि बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे, चुनावी उन्होंने यहाँ पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में खड़े थे, वे जीत चुके हैं। ये कुछ नतीजे जो सामने आ चुके हैं कुछ एक सीटों के। केराना से इकरा हसन जो कि सपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा उन्नाव से साक्षी महाराज बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में खड़े थे और उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। तो ये दो सीटें जिन पर नतीजे आ चुके हैं, और ये दो सीटें केराना और उन्नाव, जिन पर केराना से इकरा हसन सपा की प्रत्याशी, इन्होंने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा उन्नाव से बीजेपी के प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ा, साक्षी महाराज, इन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। और चलिए फिर से अब चर्चा की ओर रुख कर लेंगे। दिनेश जी, आप ये कह रहे थे कि जो बीजेपी है, एनडीए की मैं चूंकि बात कर रही थी यहाँ पर, और मेरा सवाल आपसे वही था कि एनडीए ने जो दावा किया था, जो बीजेपी का दावा था कि अब की बार 400 पार, कहाँ कमी रह गई है? क्योंकि ये दावा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था, जश्न की तैयारियां पहले से कर ली गई थीं, और भर के ये दावा कर रहे थे पार्टी के सभी लोग कि अब की बार 400 पार, यानी कि 400 पार से हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जो रुझान है उसमें 300 सीट भी अभी नहीं मिल पा रही है, मात्र 295 पर अभी अटकी हुई है एनडीए। देखिए नैन्सी जी, हम तो एक विजन लेके चलते हैं, 400 पार का नारा दिए थे, क्योंकि आप जब भी जाते हैं टारगेट बना के चलते हैं। हमारा विजन था 400 का, क्योंकि हम 400 के आंकड़े को छूना चाहते थे, और हमने यथासंभव मेहनत की, और भारतीय जनता पार्टी ने हर ग्रुप तबके के लिए काम किया, उस विश्वास के साथ हम 400 पार का नारा लेके चल रहे थे। और कोई भी व्यक्ति हो 400 पार 400 का नारा लेके चलता है, एक विजन लेके चलता है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है, और भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत मान अपने क्षमता के अनुसार पहुंचने में भी वही, हम 295 सीट पे अभी आज के हिसाब से रुझान के हिसाब से रुझान आए हैं, ये कोई वो परिणाम नहीं है। आप देखिएगा समय बीतने दीजिए, बहुत सारे ऐसे मतदान है जो 1000 2000 की लीड से अप डाउन चल रहे हैं, आप देखिएगा हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे और मोदी जी फिर से सरकार बना रहे हैं और भारत को एक स्थायी सरकार देने में भारतीय जनता पार्टी फिर सक्षम हो रही है। बिल्कुल अगला सवाल मैं लूंगी, बिल्कुल अगला सवाल मैं लूंगी बाबूलाल जी से, लेकिन उसके पहले ये एक और बड़ी खबर मैं बता देना चाहूंगी अपने दर्शकों को। अमेठी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेठी सीट जो की सबसे बहुचर्चित हॉट सीट थी, और इस सीट से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की, एक बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने यहाँ पर अपनी जीत हासिल की है। उनके सामने बीजेपी से स्मृति ईरानी थी, लगातार प्रचार प्रसार किया गया, ताबड़तोड़ जनसभाएं हुई, चुनावी प्रचार हुआ, लेकिन उसके बावजूद स्मृति ईरानी भारी अंतर के साथ यहां पर चुनाव हार गई हैं। कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा जो कि जीत चुके हैं, कुछ देर पहले उनका बयान भी हमने सुना था, और अब ये स्पष्ट नतीजा सामने आ चुका है अमेठी से, अमेठी लोकसभा सीट से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली। चलिए चर्चा को अब फिर आगे बढ़ाएंगे,
वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ ये मेरा सवाल रहेगा आपसे। ओवरऑल तो हम देख ही पा रहे हैं कि जो दावा बीजेपी कर रही थी इस बार की, अब की बार 400 पार, एनडीए के साथ मिलकर 400 पार हम जाएंगे, बीजेपी अकेली मात्र 370 सीटों का दावा भर रही थी, लेकिन जो रुझान है वो सामने है कि 295 पर फिलहाल एनडीए अटका हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ की चलिए हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ में क्या आपको लगता है कहाँ कमी रह गई है? कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या कमी रह गई, चूंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, उसके बाद फिर कांग्रेस उभर कर आई, प्रचार प्रसार किया गया, लगातार जनता के सामने कई मुद्दे, जो जावेद जी भी कह रहे थे कि मूलभूत मुद्दे हमने इस बार जनता के सामने रखे थे, कहां वो कमी रह गई इस बार, क्या लगता है आपको? देखिए, लक्ष्य कोई भी पार्टी निर्धारित करती है उसमें कोई बुराई नहीं है, 400 पार का आंकड़ा अगर लक्ष्य पर निर्धारित करके चली थी भारतीय जनता पार्टी तो कहीं गलत नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों के अंदर मैंने देखा दंभ से इस बात को कहते थे, घमंड से कहते थे कि 400 पार, और बड़ा अजीबोगरीब माहौल बनता था, वो ठीक नहीं था। और वो जहां तक है जनता के बीच में उसका असर भी ठीक नहीं गया है, निगेटिव गया है। और जिस तरीके से मोदी जी का जो भाषण देश में चल रहा था, जिन जिन मुद्दों को वो उठा रहे थे, और आम जनता की भाषा जो बोलचाल की भाषा होती है, जो अच्छी भाषा नहीं कही जाती, उस भाषा में उन्होंने अपने वक्तव्य को दिया, वो भी कुछ लोगों को निगेटिव थिंक लगा और बहुत से लोगों को पसंद भी आया। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आया, पसंद भी आया। तो बहुत से वो ज्यादा लोग वो थे जो जिन्होंने नापसंद किया उस बात को, एक तो बात ये हुई। दूसरी चीज ये देखिए, एक तरफ जो नैरेटिव सेट करके चल रही थी कांग्रेस की, महंगाई, युवा लोगों की बेरोजगारी, अन्य मुद्दे जो समस्याओं से जुड़े हुए थे, पेट से जुड़े हुए मुद्दे थे, समस्याएं थी देश की, उसको उठाते हुए चल रहे थे। लेकिन उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने एक भी भाषण में उसको छुआ नहीं। महंगाई की बात को उन्होंने कहीं कहा नहीं, बेरोजगारी की बात को उन्होंने कहीं कहा नहीं। उन्होंने जो भी कहा वो सबको मालूम है, उन्होंने क्या क्या मंगलसूत्र और मछली और दुनिया भर की चीजें जो है उन्होंने उस चीज को छुआ, लेकिन महंगाई को नहीं छुआ, कि एक भी भाषण में नहीं छुआ, एक भी भाषण में कुछ ऐसी बात नहीं। हाँ, अपनी अपने उपयोगिता को, अपनी योजनाओं को उन्होंने जरूर एक दो भाषणों में गिनाया है, अमित शाह ने तो कई बार गिनाया है, लेकिन जो है उस चीज को लोगों ने निगेटिव थिंक में लिया कि भाई ये जो है अच्छे ढंग से नहीं बोल रहे हैं किसी बात को, और इसको जो है नहीं माना जाना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज देखिए, मैं बताऊं आपको, खुद मोदी जी कहते हैं कि भविष्य जो है युवाओं के हाथ में है, ये देश का भविष्य युवा है, ये कहते हैं। तो इधर जो लोग जो चुनाव में भिड़े हुए थे नेता, वो चार तीनों के तीनों युवा थे, अखिलेश यादव, इधर तेजस्वी यादव, इधर राहुल गांधी, इन्होंने कड़ी मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को कहूंगा कि कड़ी मेहनत इन्होंने, जितनी मेहनत नरेंद्र मोदी ने की उतनी ही मेहनत इन लोगों ने भी की, कितनी रैलियां की, कितना दौड़ धूप किया, और सरल सपाट भाषा में समस्याओं को रखा। बिल्कुल, तो मेहनत सभी की है। और बाबूलाल जी, आपको मैं एक बार फिर रोकना चाहूंगी, क्योंकि एक और बड़ा अपडेट हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, गोरखपुर लोकसभा सीट से निर्णय यहाँ पर आ चुका है गोरखपुर सीट पर, और रवि किशन जो कि बीजेपी से प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल कर ली है, जीत चुके हैं वे गोरखपुर सीट। उत्तर प्रदेश की इस सीट पर भी नतीजा स्पष्ट हो चुका है, निर्णय हो चुका है, गोरखपुर की जनता ने इस बार रवि किशन पर भरोसा जताया है, रवि किशन को अपना प्रत्याशी चुना है। तो रवि किशन जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे, गोरखपुर से चुनाव उन्होंने लड़ा, चुनावी मैदान में खड़े थे और वो जीत भी हासिल कर चुके हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की यह सीट है, जहां आपको बता दें कि इस सीट से रवि किशन ने जीत हासिल कर ली। और चर्चा की ओर एक बार फिर चलिए रुक कर लेंगे। बाबूलाल जी, जहां ये लगातार हम चर्चा आपसे कर रहे थे, और आप जो कह भी रहे थे कि जो पार्टियां थी, पार्टियों के जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने सबने जी तोड़ मेहनत की, प्रचार प्रसार किया, चाहे बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें या विपक्षी पार्टियों की, इंडिया गठबंधन की तरफ से हम तमाम जितने भी लीडर्स हैं बड़े उनकी बात करें, लेकिन छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था कि राजनांद कुछ एक सीटें ऐसी थी जो कहा जा रहा था कि शायद ये सीटें तो कांग्रेस अपने पास कर ही लेगी। इधर भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव से चुनावी मैदान में थे, ये कहा जा रहा था कि शायद वो अपनी सीट को बचा सकते हैं, वो जीत सकते हैं, लेकिन जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं ये कह रहे हैं कि वो भी अपनी सीट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार क्या ऐसा हुआ, क्या उलटफेर हुआ कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बार कांग्रेस को नकार दिया, सिरे से नकार दिया है?
देखिए भूपेश बघेल की बात जो आप कर रहे हैं, अगर उसकी हार होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बड़ी बात है बिल्कुल और बड़े बड़े बड़ी क्षति है। ये कहा जाएगा कि पिछली सरकार का प्रभाव खत्म हो गया। लोग कहेंगे कि भाई भूपेश को नकार दिया लोगों ने, मतलब पिछली सरकार का कोई प्रभाव जो है बचा नहीं है, इसलिए जो है भूपेश को नकार दिया लोगों ने, अन्य लोगों को भी नकार दिया, लगभग सभी लोगों को नकार दिया जो इतना मेहनत को छोड़ करके। और मैं जहां तक समझ रहा हूँ भूपेश बघेल के हार का जो मुख्य कारण है, जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, कि हिंदू कार्ड जो अमित शाह जी ने वहां खेला था ईश्वर साहू के लड़के भुवनेश्वर साहू के माध्यम से, और जो वो खड़ा हुआ और विजय शर्मा ने जितना उसका कवर्धा में जो हिंदुत्व को जगा दिया था, उसका प्रभाव जो है कवर्धा साजा बेमित्रा और यहाँ तक कि राजनांदगांव के कुछ हिस्से में आपके आसपास के इलाके में जो है काफी प्रभाव डाल दिया। उसका असर जो है राजनांदगांव सीट पर पड़ा है, मुझे जो ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका ही प्रभाव जो है, ये मतलब आप समझ लीजिए कि हिंदुत्व जो छत्तीसगढ़ में कभी कोई मुद्दा नहीं रहा था, इस बार के चुनाव जो विधानसभा चुनाव के बाद से हिंदुत्व जो है छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया और फैल हिंदुत्व रहा है। धर्मांतरण, तमाम जो ये मुद्दे थे, राम मंदिर का मुद्दा हो, इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की गई और ये कहा जा सकता है कि देख शायद इसका एक क्रेडिट मिल एक गया है। एक एक बात कहना चाहूंगा मैं कि राम मंदिर की बात आपने कहा, देखिए अयोध्या में पीछे है भारतीय जनता पार्टी, आश्चर्यजनक चीज। और राम मंदिर की बात जहां तक है, राम मंदिर का जितना विवाद चलता था, जितनी कड़ी वहां पर सुरक्षा थी उस रामलला के लिए, मैं वहां उस समय गया था और मैंने वहां जाकर के देखा, वहां के लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा हमारे यहाँ तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये हमारे यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है, फूलों की दुकान मुसलमानों की है, इस तरह की बातें सुनने में आई थी। लेकिन ये मुद्दा कैसे बना? पॉलिटिकली बना, बिल्कुल इसलिए जो है वहां बिल्कुल अयोध्या के बिल्कुल लोगों समय ने जो का है अभाव है। जावेद जी से नकार एक दिया। अंतिम प्रतिक्रिया मैं ले लेती हूँ। जावेद जी, क्या लगता है आपको, रुझान तो जो स्पष्ट है वो हमारे सामने आ ही रहे हैं लगभग, और रुझान तो ये कह रहे हैं कि 10 सीटें बीजेपी अपने पास लेकर जा रही है, एकमात्र सीट उस पर भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 5 या 5,500 का वो अंतर है, और ये अंतर शायद हो सकता है बढ़ भी जाए और घट भी जाए शाम तक। क्या आप अपनी अंतिम प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, चूंकि चर्चा को विराम देने का समय आ गया है, अंतिम प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा। देखिए नैन्सी जी, अभी भी समय है, मैं फिर से कहता हूँ, फिर से वही बात दोहराता हूँ कि अभी भी 5 से 6 राउंड की गिनती बची हुई है और इन सीटों पर हमें 8-10 हजार 12 हजार का डिफरेंस हम चल रहे, अभी समय है, हमें उम्मीद है कि वो हम कवर कर लेंगे, उस गड्ढे को भर लेंगे। और जो हमारा और सारी मीडिया का और आप सब लोगों का, प्रदेश की जनता की जो सोच थी कि कम से कम 7 और 4 का आंकड़ा आएगा, वो हो कितना सकता समय है कि लगेगा इन आवा रुझानों को निर्णय पे बदलने में? जैसे जैसे अब काउंटिंग होते जा रही है वैसे वैसे बदलाव आते जाएंगे, कोई बड़ी चीज चलिए नहीं ठीक है। है, यानी कि अभी भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने मनोबल को संभाले हुए है और अभी भी दावा यह किया जा रहा है कि सीटें हम अभी भी ज्यादा लेकर आ सकते हैं। खैर रुझान है, अभी स्पष्ट निर्णय नहीं आया है, शाम तक स्पष्ट निर्णय आएगा और उसके बाद ही साफ होगा कि छत्तीसगढ़ में आखिर किसने कितनी बढ़त बनाई है। आप सभी का नादी टीवी से जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी बहुत शुक्रिया। तो सत्ता के महासंग्राम का आज आखिरी दिन है और लगातार जो अपडेट्स हैं, जो रुझान है, वो नादी टीवी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी रही है, हर एक लोकसभा सीट वाइज भी, और तमाम जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, उन पर आखिर किस पार्टी ने कितनी बढ़त बनाई हुई है, लगातार अपडेट्स नादी टीवी पर आपको मिलेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।